हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ से। अब इसमें क्या दे रखा दोस्तों, इसमें रूट के अंदर दो दे रखा और फिर रूट के अंदर दो दे रखा, इसी तरह से आगे को चलता गया। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके अंदर लिमिटेड है, मतलब रूट यहाँ अगर खत्म हो जाता है इससे आगे को नहीं चलता। जिस तरह से नीचे वाले क्वेश्चन में इनफाइनाइट तक गया है, उससे नीचे वाले क्वेश्चन में इनफाइनाइट तक गया है, उससे नीचे वाले क्वेश्चन में लिमिटेड रहा है। तो लिमिटेड की बताऊंगा और अनलिमिटेड की बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि टू कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो टू जो है 6 बार है, तो 2 की पावर 6 की वैल्यू अलग निकाल लीजिए, ये होती है 64। तो 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 64। तो आपको क्या करना है, अब देखिए ये कितना है 2, तो 2 जो है रिपीट हुआ, तो आप 2 मेन लिख लीजिएगा 2। और 2 की पावर 64 है, मतलब 2 की पावर 6 है, इसकी वैल्यू 64 है। तो आपको यहाँ इसकी पावर में क्या लिखना है, नीचे को लिखना है 64 और ऊपर को एक कम करके लिख देना है 63। ये हो गया इसका आंसर। ट्रिक के माध्यम से आप 2 सेकंड में इसका आंसर बता देंगे। इसी तरह अब दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन नंबर 4 भी दे रखा है, जिसमें 5 जो है वो 4 बार आया है, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से कि आपको 2 की पावर 4 लगानी, तो कितना हो गया 16। 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16। तो आपको क्या करना है, ये 5 रिपीट हुआ है तो 5 को लिख देना है ऐसे ही, और उसकी पावर कितनी हो गई 16, तो 16 को लगाइए नीचे और एक कम करके लिख दीजिए, ऊपर हो जाएगा 15। तो 5 की पावर 15/16 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं कि वैल्यू रिपीट ना करके इनफाइनाइट तक जाती है, रिपीट तो करते हैं लेकिन इनफाइनाइट तक जाती है, तो उसकी वैल्यूज कैसे निकालें। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए इसमें 3 जो है रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको निकालने के लिए सिर्फ आप जो नंबर रिपीट हो रहा है वही लिख दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या होगा, 4 नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप 4 को एज इट इज लिख दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं दोस्तों एसएससी के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।